अनारदाना मेल में भी है? इस इंडस्ट्री में ओरिजिनलिटी है ही नहीं है। नो कमेंट। फुलझड़ी आई थिंक वुड बी प्रियंका चोपड़ा। निखिल और अदा, आप दोनों से कुछ पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड में, मैं कुछ फटाकों के नाम लूँगा, आप किसको समझते हैं ये है, फुलझड़ी कौन है? फुलझड़ी आई थिंक वुड बी प्रियंका चोपड़ा। अदा आप? आई वाज आल्सो गोइंग टू से प्रियंका चोपड़ा। और अनारदाना? अनारदाना वुड बी आलिया भट्ट। अच्छा, मेल में अनारदाना मेल में भी है? ओके। यू वांट टू बी? नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एन अनारदाना। राजपाल यादव? ओह गॉड, ओके। क्या चॉइस? नो, फॉर मी अनारदाना वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज नाइस एंड क्यूट। या, दैट्स व्हाई ही इज लाइक अ, दैट्स व्हाई आई सेड आलिया भट्ट। या, एंड चक्री। बीप। अदा की अदा। अनिल कपूर। अच्छा, नाइस, ओके। एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब, आई थिंक दीपिका पादुकोण। एंड फॉर यू? देन आई से रणवीर सिंह, एंड देन दे कैन मेक अ गुड पेयर ऑफ एटम बॉम्ब। या या, टू बिग बॉम्ब्स। लड़ी, वो जो होती ना 10 पर लड़ी, व्हाट इज लड़ी, द वन दैट गोस टट 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 टट, लॉट्स ऑफ नॉइज एंड नो। That you are the only one who can take the name. यहाँ तक नाम आके रुक गया। No comment. Okay. शायद लड़ी के लिए मैं कहूँगा नील नितिन मुकेश, क्योंकि लंबी है ना, नाम भी लंबा है ना, नील नितिन मुकेश। But lots of noise and no पटाका, don't say. No, there is a पटाका is there. नहीं, एक और पॉजिटिव साइड भी है, तो लंबा चलेगा। अच्छा, लंबा चलेगा। और इसका घोड़ा है भाई। और 50 shots वो जो होते हैं। अच्छा, the 9 balls. Yeah. हाँ. Wow, man. Those boom, 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 those okay, 19 balls come out, duk. All colorful ones. Oh, okay. With the parachute in the end. Ooh. Yeah. And they've definitely not had a nice childhood. who could it be, yeah? Multiple personality disorder, who has? Akshay Kumar. Okay, yeah, okay. Because of the diverse roles, all, yeah, every time on Big Bomb, yeah. Or Rocket, last mein, Rocket. Rocket. I was going to say Ranbir Kapoor or Ranveer Singh as a Rocket. But right now, I think Ayushman Khurana is the Rocket, for yeah. Sure. Nice. Yeah. Aap kiska naam stealing that. Copy. Originality. I'm copy. Is industry mein originality hai nahi hai. Copy. Yeah, I'm copying. Aapki film Diwali ke aas paas aa rahi hai. Ji. दिवाली से कुछ जुड़े, मतलब क्योंकि बचपन से कुछ यादें होंगी दिवाली से जुड़ी हुई? बहुत सारी यादें हैं। मैं आज भी, मुझे याद है कि स्कूल में हमारे 3 बार छुट्टियां होती थी, एक तो फाइनल ईयर के सेमेस्टर ख़त्म होने पर, फिर एक मिड टर्म ब्रेक हुआ करता था, और फिर एक क्रिसमस ब्रेक। तो वो मिड टर्म ब्रेक दिवाली के आसपास हुआ करता था। आई यूज़ टू वेट एवरी ईयर फॉर अ मिड टर्म ब्रेक, बिकॉज मेरी माँ पूरे घर का डेकोरेशन करती, घर को सजाती, और नेहा और मैं बहुत छोटे थे, नमन तो शायद पैदा भी उस समय नहीं हुआ था, 10 साल छोटा है हमसे, बट हम इतने यू नो एक्साइटमेंट के साथ सारे घर में दिए, रंगोली, लाइट, एक पेड़ हुआ करता था मेरे घर में, पेड़ की डाली सूखी थी, तो पूरी डालियों को मम्मी हमेशा पेंट करती और यू नो लाइट्स लगाती, तो दैट आई कांट एवर टेक दैट इमेज अवे। आज भी इनफैक्ट परसों की बात है, जब रुक्मिणी और मैं घर पे थे, तो मैंने कहा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि नुरवी भी यही चीज़ सीखे, एंड दैट्स वन थिंग फॉर मी। ऑफ कोर्स एवरी ईयर दिवाली मीन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली जस्ट कमिंग टुगेदर, एंड या सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिलीव दैट Bypass Road is a big family film. Yeah. It's a family thriller drama, and they will all enjoy it. So please go with your families and enjoy a damn interesting thriller. So, this time you will have to take your brains also with you. तो दिवाली पे ये धमाका होने वाला है, और 4 साल पहले एक और धमाका हुआ था, आपने प्रेम रतन धन पायो की थी, वो भी दिवाली। लगातार 4 साल से लगातार मेरी हर साल एक दिवाली पे फिल्म आ रही है। कथी आई थी, which became a mega blockbuster with A.R. Murugadas sir. That was on Diwali, then Prem Ratan Dhan Payo came, then came Golmaal. So last
couple of years it's been constantly during Diwali. Now we are hoping that that success. So Diwali काफी lucky हो रही है. It is. It's always lucky for all of us. Yeah. It's always lucky. अदा कुछ कैसे आप celebrate करती हैं, कुछ बताना चाहेंगी और बचपन की कुछ यादें अगर share करना चाहें दिवाली पर. बचपन में नए कपड़े पहनते थे, मिठाई खाते थे. और लोगों पे बॉम्ब फोड़ते थे. No, no. I'm a bomb myself. I don't know. Oh, yeah. How modest. Crackers very bad. Must not burst crackers. But now we're manawing Diwali every day. My team makes me look beautiful. मुझे मेरी stylist रोज नए कपड़े दे रही है. पटाका. So हाँ, so we're being a pataka every day promoting the movie. So yeah, guys, go watch Bypass Road on Diwali. नमन कुछ कहना चाहेंगे? कुछ खास दिवाली की यादें नील ने तो बताया ही. मिठाई तो सबको दिख जाती है, बट देर इज वन स्टोरी दैट व्हेन आई वाज अ किड, तो ऑब्वियसली दिवाली के टाइम सब लोग कार्ड्स ताश खेलना पसंद करते हैं, बट ऑब्वियसली चिल्ड्रन को अलाउड नहीं होता. तो वन डे आई वेंट टू डैड, आई सेड डैड इवन आई वांट टू प्ले यार, आप लोग यू नो सारे बड़े लोग बैठ के खेलते हैं, मुझे भी खेलना है. तो एट दैट टाइम ही मेड me, my cousins and everybody sit and he got this laundry bag, empty laundry bag. उसमें उन्होंने 100 और 500 रुपए के notes के एक एक गड्डी खाली कर दी and he just started shaking it. And then he started making us play a game के you have to just guess whether like a note that you pick up is a odd number or an even number at the end. तो अगर आप odd बोलो और odd number का एक note निकले, that's yours. वो पापा की तरफ से gift होता था. So I think that is a game that I've never played with anybody else, and that's something that I'll that never forget. That was way that Papa was trying to encourage you to stay away from gambling, and eventually he understood your greed. It was just the money, so he said, "You need the money, right? You take it any which way, but stay away from gambling." Yeah. Last Neil, Ada, or Naman, Tino se. दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है, धमाका तो होने वाला है बाईपास रोड के आने से, आप क्या कहना चाहेंगे, किस लिए ये फिल्म देखी जाए? मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में अगर थ्रिलर है तो अब से अगर कोई कंपैरिजन होगा थ्रिल के साथ तो वो बाईपास रोड के साथ होगा. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और सस्पेंस भरी फिल्म है. ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट यू हैव टू गो एंड वॉच इट इन अ थिएटर नियर यू ऑन द 1st of November 2019. Copy paste. Same. Everything. Copy paste. From my side also. Go watch. Naman, kya kahenge? I think creatively, we've pushed the boundaries on what the definition of a thriller is in India, what we've been seeing all these years. There are a lot of technical advancements that we have made in the film, and I think that's something that everybody will enjoy. So please do go and watch it on the 1st of November. Thank you guys for talking to us. फिल्म को लेके कमाल का बज़ है. होपफुली फिल्म जबरदस्त ओपनिंग ले. हैप्पी दिवाली टू यू. या थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. और दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली एक बार. हैप्पी दिवाली टू ऑल यू लवली पीपल. गॉड ब्लेस. हे गाइस, दिस इज अदा शर्मा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ. हाय गाइस, दिस इज नमन नितिन मुकेश. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ.